All right. Now, last but not the least is a request that we are here for meditation. Though we may sleep late, I always get up at 4 o'clock. Whatever time you may sleep, get up at 4 o'clock, do your meditation, you can go off to sleep again. But that's the best time to get up, have your baths, whatever way you want, or wash yourself and just go for meditation. And then you can sleep off again. That time you'll find you'll be quite alert and awake. It's not so difficult. We'll all be awakened. I will awaken you. But please see that you get up in the morning, do your meditation from 4 to 5 and then go off to sleep. We have to write a book about the Sahaj culture. But it is going to come out of you people. If I write something, then I'm manipulating you. I'm trying to tell you, but you have to write something yourself. You have to bring out what is Sahaj culture is. You are already manifesting it without my telling you. So what is the Sahaj culture? How we work it out, ourselves, our things. I don't tell you all these things into details. Also, try to judge where is your attention. What are you doing about your attention? सवेरे के टाइम में जल्दी उठना चाहिए। हम लोगों का सहयोग दूसरा काम है, रात का नहीं, इसलिए रात को जल्दी सोना चाहिए। माने 6 बजे सोने की बात नहीं करें, लेकिन करीबन 10 बजे तक सबको सो जाना चाहिए। 10 बजे के बाद सोने की कोई बात नहीं, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। सवेरे के टाइम में जल्दी उठ करके नहा धो करके ध्यान करना चाहिए। सवेरे ध्यान में बैठना चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ हम लोग सवेरे उठ करके अपना मुंह धोते हैं और सालों से धोते आ रहे हैं, हर साल धोते हैं, जिंदगी भर धोते रहे, उसी प्रकार हर मनुष्य को सवेरे उठ करके सहयोगी को चाहिए कि वो ध्यान, ये आदत लगाने की बात है। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग 4 बजे या 5 बजे उठना बहुत उनको मुश्किल होता है। उसके कारण एक है, मनुष्य को बहुत मैंने स्टडी किया, उसकी बारीक चीजें बहुत समझी और बड़ा मजा आता है उसको स्टडी करने में। वो किस तरह से अपने साथ भागता है और वो अपने साथ ही किस तरह से आर्गुमेंट देता है, वो देखने लायक चीज है मनुष्य की। बड़ा ठीक हो, वो खुद ही की नाक कटाने के लिए किस तरह से अपने ही का एक्सप्लेनेशन खुद ही देते रहता है, वो इस प्रकार का भी होता है कि जैसे हम तो सवेरे उठ ही नहीं सकते, वहाँ भाई कितने बजे सोते कल रात को 12 बजे, पर मैंने तय किया था मैं 4 बजे उठूंगा, हो ही नहीं सकता। लेकिन आप एक दिन जल्दी सोएं और एक दिन आप उठे हालत तो आप जल्दी सो ही जाए, आप जग नहीं सकते। 2-3 दिन आप कर लीजिए, शरीर ऐसा इसको आदत लग जाएगी सवेरे जल्दी उठने से। सवेरे के टाइम में एक तरह की रिसेप्टिविटी ज्यादा होती है मनुष्य की, और इतना ही नहीं उस वक्त में संसार में भी बहुत अत्यंत सुंदर प्रकार से